ऐसा दिखता है ये वाला बुग्याल। प्रकृति की गोद में बसी हुई जगह के बीच एक ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए, तो इस तरह से होता है। और जब ये पकता है गाइस तो कई लोग इसे खाते भी हैं, क्योंकि उसका जो बीज होता है उसमें ज़्यादा बीज होते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं बना रहेगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ब्लॉग को, वीडियो को, तो गाइस मेहनत भी किसी काम की नहीं है और फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बड़े होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मानी नोएडा उत्तराखंड से स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा काम काज में बिजी हो गया था इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया, और अब से लगातार ब्लॉग स्टार्ट हो गए हैं और अब से लगातार ब्लॉग आएंगे। अभी मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये मैं आपको बताऊँगा नहीं, अभी आप ब्लॉग में बने रहें और आपको देखना है कि मैं कहाँ पर जाता हूँ और कहाँ पर इन्जॉय करता हूँ, साथ में आप भी एंजॉय करेंगे। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये जंगल का रास्ता है और ये दो रास्ते हैं इधर से, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है। पहले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, हम इस रास्ते से गए थे और क्रिकेट खेलने जब हम जाते तो इस रास्ते से जाते हैं, और जब दो ब्लॉग बने थे पहले के तो इस रास्ते से हम गए थे। तो ये रास्ता थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और इस रास्ते से हम पूरी रोड पे जाएंगे और रोड से सीधे सीधे जाएंगे, तो ये रास्ता सही रहेगा और इसी रास्ते से मैं जाने वाला हूँ अभी। ये जो पगार है गाइस ये देखो किस तरह से पत्थर मिसा रखे हैं, इसमें टेम्परेरी काम कर रखा है, और अगर एक नीचे का पत्थर गिरेगा तो पूरा निकल जाएगा बाहर। तो ऊपर ये सीमेंट की लेयर डाल रखी है, तो ये भी किसी काम की नहीं। अगर नीचे से पत्थर निकलेगा इसका तो ये सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे और ये भी टूट जाएगा। यहाँ पे अखरोट का पेड़, ये अखरोट का पेड़ गाइस मुझे याद है जब हम बचपन छोटे थे, हम इस पे आया करते थे, और इसके जो अखरोट होते हैं ना गाइस बहुत हार्ड अखरोट होते हैं, काठी अखरोट हम उसे बोलते हैं। ये काठी का मतलब होता है कि एकदम से हार्ड, जो दांत से तो दूर पत्थर से भी नहीं टूटता गाइस, इतना हार्ड अखरोट होता है इसका, इस पेड़ का। दंत अखरोट जो होता है ना गाइस वो एकदम से टूट जाता है, दांत से भी हम तोड़ देते हैं उसे, और ये जो काठे अखरोट होता है ये दांत से भी नहीं टूटता, दांत से तो छोड़ो ये पत्थर से भी नहीं टूटता बड़ी आसानी से। साथ में ये जो पेड़ दिख रहा है आपको ये है तिमला, जो तिमला होता है गाइस वो भी एक फ्रूट ही मान सकते हैं हम, खाते हैं लोग इसे और खाते ही नहीं है, इसकी सब्जी भी बनती है गाइस। इस पे भी अगर आप चाहेंगे तो ब्लॉग अलग से बन जाएगा। साथ में ये है बांज का पेड़, यहाँ पे बांज किसी ने लगाया होगा, वैसे होता नहीं है हमारे जो जंगल है वहाँ पे बांज होता नहीं है इतना, किसी ने लगाया होगा तो उग गया ये पेड़ और काफी बड़ा हो गया है। इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो घास के काम आती हैं, जो हमारी गाय वगैरह होती हैं वो खाती हैं इसे। ये है कांटे का पेड़, प्रकार का ये कांटा होता है और इस पे लगते हैं किनगड़ू, हम बोलते हैं किनगड़ू। जब किनगड़ू पकता है तो इस तरह से होता है, और जब ये पकता है गाइस तो कई लोग इसे खाते भी हैं। तो आप कभी पहाड़ों में आए हैं, और अगर आए हैं आप किनगड़ू तिमला आप जानते हैं, और बुरांस हो गया, और हिसुरू भी होता है गाइस, हिसुरू हमारे इधर बोलते हैं। अगर आप पहाड़ से हैं तो बताएं कि आपके इधर पेड़ होता है वो वाला, और हमें सजेस्ट करें कि आपके इधर क्या बोलते हैं उसे। ये जो पत्थर हैं सही तरीके से नहीं लगे हैं ये, लेकिन फिर भी पेड़ ने ऐसे बचा के रखा है इन पत्थरों को, और साथ में इस पुस्ते को भी एकदम से जकड़ रखा है। ये ब्लॉग बनने वाला है, मैं बता ही देता हूँ किस चीज पे बनने वाला है। हमारे गाँव के ऊपर एक बुग्याल है, बुग्याल टाइप का, जैसे आपने चमोली में देखा होगा, चमोली के बुग्याल बिल्कुल फेमस है, वहाँ पे आप घूमने भी गए होंगे। तो उसी तरह से गाइज हमारे गांव के ऊपर ऊंचाई पे काफी हाइट पे एक बुग्याल टाइप का है, और उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग जो होता है हमारा वो उसमें काफी मेहनत लगती है, और एडिटिंग करने में, बनाने में, शूट करने में काफी मेहनत होती है उसमें, तो आप लोगों का सपोर्ट भी बना रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए आगे भी ब्लॉग बनाता रहूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग लाता रहूं, तो आप लोगों को भी गाइस सपोर्ट करना होगा मुझे। और आसान नहीं है गाइस यूट्यूब पे वीडियो बनाना, यूट्यूब पे वीडियो एडिट करना, यूट्यूब पे शूट करना काफी मुश्किल होता है। ये जो यहाँ पे पेड़ दिख रहा है आपको, ये तूणी का पेड़ है, तो तूणी इसका नाम है, लकड़ी के काम आ सकता है, बहुत सेप और बहुत हार्ड, बांध से भी हार्ड लकड़ी होती इस पौधे की, जो ये पौधा दिख रहा आपको, इसलिए लोग तखत और कड़ी वगैरह चिरवाते हैं इससे। जंगल से आगमन हो गया है, हम उल्टे यूट्यूबर लोग आपको पता ही है। मुझे गाइस अभी एक आवाज सुनाई दे रही है, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी, हल्की फुल्की निन 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 ऐसे टाइप की आवाज आ रही है।
ये पेड़ों पे होता है और इसे हम बोलते हैं निनारा, हमारे इधर निनारा बोलते हैं। अगर आपके इधर भी इस तरह से होता है कोई पक्षी, पता नहीं क्या होता हो, अगर होता है तो क्या बोलते हैं उसे, हमें कमेंट जरूर करें। करीब आधा सफर तो हमारा हो गया है, घर से जितना अभी मैं यहाँ पे आया हूँ उतना ही अभी और भी जाना है। ये जो ब्लॉग है गाइस, ये काफी दिनों के बाद आ रहा है, इसका भी कोई रीजन है, थोड़ा सा काम वगैरह में बिजी हो गया था इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि ब्लॉग मैं बना नहीं पाया आप लोगों के लिए। आपको तो पता ही है कि पहाड़ी जो जनजीवन होता है तो उसमें इंसान बिजी होता है इधर उधर काम में और उसे टाइम नहीं मिल पाता है। हमारे गांव के ऊपर जो काली माता का मंदिर है वहां पे मैं पहुंचा हूं अभी, और इसका भी मैंने अलग से एक ब्लॉग बनाया है। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में वो ब्लॉग भी मिल जाएगा आपको, ये वाला है, इस पे भी एक स्पेशल ब्लॉग बन रखा है। अच्छा कौन तुम्हार गोर, अभी आपको ये दीवार दिख रही होगी, यहाँ पे चकाबंदी हुई है और इसके अंदर या तो पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे या फिर घास वगैरह उगाई जाएगी अपने गांव के लिए। ये वाला रास्ता भी है बुग्याल जाने के लिए, लेकिन हम अभी इसी रास्ते से चलते हैं। सीछो तो काम पर से पोखा। अच्छा गर्मी का सीजन है इसलिए थोड़ा सा गाय वगैरह जो होती है हमारी उनको भी प्यास लग जाती है, यहाँ पे पानी पीने आ रखी है सारी गाय। पहले पूरे जंगल में हम उन्हें घुमाते हैं और घास वगैरह चुगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पानी पीने लेके आ जाते हैं उन्हें। इसे हमारे इधर बोलते हैं बसील झाड़, है किसी के पैर में हाथ में कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो उसके बाद लगाया जाता है इसे पीस के। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं हमें। जिस बुग्याल की मैं बात कर रहा था वो सबसे ऊपर जो ऊंचाई पे दिख रही है आपको जगह, ये वाला वो बुग्याल है सबसे ऊपर, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा पानी का धारा जिसका वीडियो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आपको नीचे मिल जाएगा। ये वाला धारा है वो पानी का धारा जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था। जिस बुग्याल की मैं बात कर रहा था वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं और मेरे सामने में वो बुग्याल है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी एक नई चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तार बाड़ वगैरह, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सीन उन्होंने किया है ये पेड़ पौधे यहाँ पे शायद लगा रहे हैं। बाकी ये पूरा बुग्याल है इस तरह से, ये आगे आपको जगह दिख रही है और इधर तक इस साइड में ये पूरा बुग्याल ही है। मैं पहले इस साइड से आता हूँ, वहाँ से दिखाते दिखाते आपको इधर लास्ट तक ले जाता हूँ। अभी मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे चीड़ के पेड़ भी है बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, चीड़ का जो पौधा होता है बहुत जल्दी फैल जाता है इधर उधर, ज़्यादा बीज होने के कारण जब वो नीचे गिरता है तो चीड़ के पेड़ फैल जाते हैं। यहाँ पे पूरा पहले खाली था, उधर वाली जगह तो पूरी झील टाइप की थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे लेकिन यहाँ पे पूरा खाली था और अभी ये फैल चुका है और घना जंगल बन रहा है यहाँ पे भी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यहाँ पे गड्ढे भी खोद रखे हैं, इस बाउंड्री के अंदर पूरे पेड़ लग रहे हैं इसीलिए ये तार बाड़ वगैरह लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे। अब गाइज आपके मन में एक डाउट होगा कि यार तेरे गांव का जंगल है और तुझे पता ही नहीं है अपने गांव के जंगल के बारे में, और अभी पता लग रहा है कि यहाँ पे तार बाड़ हो रखी है। गाइज बहुत टाइम से मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए मैंने आज देखा ये, और अभी ये जो काम चल रहा है यहाँ पे ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है। गाइज मुझे पता नहीं लगा ये जो जगह है ये काफ़ी दूर है गांव से, 3-4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे गाइज हम पहले गाय वगैरह चुगाने के लिए आते थे और उसके अलावा यहाँ पे हम ऐसे पर्सनली नहीं आते, केवल कभी दोस्त वगैरह होते हैं तो गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर हम घूमने के लिए आ जाते हैं, बैठने के लिए आ जाते हैं क्योंकि घर में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है तो यहाँ पे जंगल में आ जाते हैं लेटे रहते हैं। इस तरह से ये चारों ओर बहुत सुंदर ये जगह है और ये जो जगह है गाइस ये बचपन से ही हमारे दिलों के करीब है, इस जगह को भी हम कभी नहीं भूल सकते। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से उधर उस वाली साइड में कैसे जाऊँ, यहाँ से घुसता हूँ गाइस। यहाँ पे काफ़ी ठंडा सा मौसम हो रहा अभी और यहाँ पे थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ तो इस साइड से गाइस ऐसा दिख जाता है ये वाला बुग्याल, ये देखो ऐसा दिख जाता है पूरा, मतलब इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना ब्यूटीफुल, क्या ही मैं आपको बताऊँ, आपको भी देख के लग रहा होगा। जो हमारा ये बुग्याल है, हमारी ये जो जगह है, इसको तो हम बोलते हैं गाइस खाल, खाला गढ़वाली भाषा में।
मैं सोच रहा था गाइस, उस साइड तो पूरी इन्होंने बाढ़ कर रखी है, पूरा चकाबंदी कर रखी है। मैं सोच रहा था कि इस साइड से हम चलें और यहाँ से होते हुए सीधे ऊपर जो रोड है वहाँ पे पहुँचे। ये देखो, ये जो बाढ़ वगैरह है इन्होंने ऐसे अंदर को कर रखी है, और जो इधर वाली जगह है इधर वाली तो उन्होंने खुली छोड़ रखी है। तो मैं सोच रहा था कि इस साइड से हम जाएं। जो भी हमारे गांव साइड से लोग हैं, गांव के हैं या फिर हमारे एरिया के लोग हैं, कनाकोट, धौलान, खंडगांव, चुठाणी, चुपड़ियों, उन सब गांव से यहाँ पे किसने गोर चराए कमेंट करें। हमने तो चराया गाइस, और हमने गाय वगैरह चुगाई है यहाँ पे। आपने अगर चुगाई है तो कमेंट करें नीचे। हर बार कर रखे गाइस, उसके लिए इन्होंने एक तार इधर से लेके आए हैं और एक तार इधर से लेके आए हैं, दोनों को उधर बांधा है इन्होंने, और यहाँ पे इसका सपोर्ट लगाया है ताकि इस पे लोड ना पड़े इस एंगल वगैरह का और ये गिरे ना। इसी जगह को दिखाने के लिए गाइस मैं आपको आज यहाँ पे लेके आया था। इसी जगह को मुझे दिखाना था आपको। बहुत सुंदर जगह है, काफी अच्छी लगती थी मुझे ये जगह बचपन से, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना देते हैं। काफी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि एक सुंदर सी जगह, प्रकृति की गोद में बसी हुई जगह के बीच एक ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। तो इस रास्ते से आया हूँ गाइस मैं, अभी पहले मैं वहाँ से आया था इधर से, अभी मैं इस रास्ते से आया हूँ क्योंकि यहाँ से हम बाहर से ही निकल भी जाएंगे। तो अब मैं गाइस इस साइड आ चुका हूँ, इस साइड के बिल्कुल कोने पे आ चुका हूँ। पहले मैं वहाँ पे था, जो आपको लास्ट में जगह दिख रही वहाँ पे था, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। बादल भी अभी लगे हुए हैं, ऊंचाई पे ये वाली जगह है, इस तरह से दिख जाती है। यहाँ से जो बाहर का व्यू है इस तरह से दिखता है, और यहाँ पे एक खल भी थी, खल मतलब एक गड्ढा टाइप का बनाया जाता पहाड़ों में ताकि पानी स्टोर हो सके। पानी स्टोर भी हो रखा गाइस, ऊपर से मिट्टी भी यहाँ पे सही है तो इसलिए पानी भी स्टोर हो रखा है यहाँ पे। तो गाइस आपने देखा इस ब्लॉग में इस स्पेशल जगह को, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। आपके इधर आपके गांव में भी होगी अगर आप पहाड़ में रहते हैं, या फिर अगर आप पहले पहाड़ में रहे होंगे तो ऐसी जगह आपके गांव में भी रही होगी। स्पेशल एक जगह होती है तो यहां का नाम है खाल, और आपके इधर जो इस प्रकार की जगह है उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है वहाँ का, कमेंट करें। गाइज मैं सोच रहा था कि यहाँ पर आया हूँ तो एक ब्लॉग और बना देता हूँ, ऊपर एक भराड़ी देवता है, वो अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगा पूरा, और उसका वेट करें। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट करें कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल गाइज।